स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK विजन क्लासेस में। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एकदम इंग्लिश सीखना, प्रोनाउंसिएशन करना बिल्कुल जीरो से सीखेंगे हम, जहाँ से बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं, ठीक है, वहाँ से हम एकदम बेसिक से जीरो लेवल से हम इंग्लिश सीखना शुरू करेंगे। लेसन नंबर वन है, अक्सर हम पढ़ते वक्त प्रोनाउंसिएशन करते वक्त गलती कर देते हैं, ठीक है। हम जीरो से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सारे के सारे वर्ड्स जो बने हैं ए टू जेड के बीच से ही, जो भी 26 लेटर्स हैं उन्हीं से बने हुए हैं। ये एक अ से लेकर के ज्ञ तक ये जो भी वर्ड्स दिए हैं, लेटर्स दिए हैं, इन्हीं लेटर्स के माध्यम से सारे के सारे वर्ड्स, चाहे वो इंग्लिश के हो या फिर वो हिंदी के हो, वो दोनों वर्ड्स जो हैं वो चाहे कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो ए से लेकर के जेड के बीच में ही है और अ से लेकर के ज्ञ तक के बीच में ही बनी। स्टार्ट करते हैं, देखिए ये लिखा है प्रोनाउंसिएशन गॉट इजी, उच्चारण हुआ आसान, इसका मतलब, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे बिल्कुल इजी भाषा में। देखिए अ का स्पेलिंग क्या है, ए, ठीक, देखिए इसका स्पेलिंग अ का होता है ए, आ का डबल ए, आ का डबल ए, ई का आई, ठीक है, और बड़ी का डबल ई, ऊ का यू। ये आपको देखिए अगर इसको पढ़ेंगे तो इसमें कोई दो लेटर्स नहीं आ रहे होंगे, ऊ, ओनली ऊ आएगा, इसको पढ़ेंगे तो कोई डबल लेटर्स नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब बड़ा ऊ का डबल ओ हो जाएगा और ई का ए हो जाएगा और ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, औ का ए यू, और अंग का हो जाएगा ए एम या ए एच। कब होगा, जब अम लिखा होगा, अम, जब कहीं अम लिखा हो ऐसे हलंत लगा के अम, तो वहाँ ए एम का यूज करेंगे। अजय अन्न लिखा हो ऐसे ऐसे अलंत लगा के अन्न लिखा हो तो ए एन का यूज करना है, ठीक है। और अह देखिए ए एच लिखा हो, यानी अह का क्या होगा, ए एच होगा। इस तरह के अगर लेटर्स हैं तो वहाँ इसकी स्पेलिंग्स यहाँ पर सबका लिखी हुई है। अपन नीचे वाले को जोड़ा देखिएगा, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल रहा होगा कुछ ऐसे लगा होगा, सब में ऐसे लगा होगा, सब में ऐसे लगा होगा। इसका रीज़न ये है कि ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ना, ये सब के सब लेटर्स जो हैं सब आधे भाग, आधे पार्ट में लिखे हुए हैं, सबके सब आधे पार्ट में, पार्ट क्या है, हाफ है, हाफ आधे पार्ट में लिखे हैं। देखिए इन सबके नीचे हलंत लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, ठीक है। हमको पढ़ाया जाता है क, ठीक है, ख, क का क्या पढ़ा जाता है, के का पढ़ा दिया जाता है, क के से क, के से ख, जी से ग, ऐसे हमको पढ़ा दिया जाता है, लेकिन वो ग नहीं होता है, हमें उसका उच्चारण, हमें प्रोनाउंसिएशन गलत बताया जाता है कि कहीं कैसे गलत बताया जाता है। तो अभी हम समझते हैं इसमें, क्योंकि जितने भी लिखे हैं सबके सब आधे अक्षर वाले हैं, ये सबके सब हाफ पार्ट में, हलंत लगाया मतलब आधे अक्षर। तो इन आधे अक्षर को पढ़ना कैसे, हमको पूरा का पूरा पढ़ना होता है जब तक तो पढ़ते हैं क, क्या पढ़ते हैं, क, और क जब पढ़ते हैं तो इसमें आता है अ, तब बनता है पूरा एक क। तो चूँकि हलंत लगा है ना, तो ये आधा अक्षर है, तो इसको हमको क्या पढ़ना है, खींच के नहीं पढ़ना है, खींच के नहीं पढ़ना है, हमको शॉर्ट में पढ़ना है और एकदम झटके से पढ़ना है। जैसे कोई चीज़ आके झटके से लगती है, जैसे हमारा हार्ट है, ब्लड झटके से पंप करता है, ठीक वैसे ही इसको भी हमको क्या करना है, झटके से पढ़ना है। जैसे क क्या पढ़ना है, क क्या पढ़ना है, क, और उसका स्पेलिंग होगा ओनली के होगा, क्या होगा, के होगा। यहाँ ख लिखा है तो ये ख नहीं लिखा है, पूरा का पूरा ख नहीं लिखा है, वो क्या लिखा है, वो ख, क्या लिखा है, ख लिखा है। हमको झटके से बोलना है, ठीक है, झटके से जब बोलेंगे तब जाके ये सही होगा उच्चारण इसका, अदरवाइज हम पूरा ख पढ़ते हैं तो वो गलत है, ठीक है। अभी हमको इसका पढ़ क्या पढ़ना है, ख पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, ग पढ़ना है, अगौ का क्या होगा, जी होगा, क्या होगा, जी। घ लिखा है ना यहाँ पर, तो घ का क्या होगा, जी एच, चूंकि ये घ नहीं है, क्या है, ख, क्या है, घ है, ख, एकदम हमको झटके से बोलना है, न कि खींच करके, एकदम रबड़ जैसे खींचते ना वैसे खींचना नहीं है इसको, हमको एकदम झटके से तुरंत बोला, एकदम तुरंत बोलिए आप, क ख ग घ, अंग, अंग तो है नहीं इसमें, ठीक है, तो क ख ग घ, फिर च छ ज, ऐसे झटके से च छ, ऐसे झटके से बोलना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए छ, छ का क्या होगा, सी डबल एच, ज, ये ज नहीं है, पूरा जो नहीं है, पूरा जो नहीं, क्या है, हाफ है, सबके सब हाफ पार्ट मिल गया, जो क्या होगा इसका, जे होगा, जे, झ का नहीं, झ नहीं, जे, छ, क्या होगा ये, छ, तो इसका क्या हो जाएगा, जे, ये ट नहीं है,
ट नहीं है, ये पूरा ट नहीं है, क्या है वो, हलंत लगाए, हलंत लगाए मतलब इसमें क्या है, ट क्या है इसमें, ट है। वैसे ये ठ लिखा है, ठ लिखा है तो इसमें क्या है, ठ में ठ नहीं पढ़ने, हमके ठ पढ़ने, अभी कब पूरा पढ़ना है उसको हम वो भी जानेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी हमको केवल इनको शॉर्ट में पढ़ना है और झटके से पढ़ना है, एकदम झटके तेजी से हमारे मुंह से वो आवाज़ निकालनी चाहिए, ठीक है, जैसे ठ ड ढ अड, ठीक है, त थ ऐसे पढ़ना है, ढ का क्या है डी एच, ढ का एन, त का टी, थ का टी एच, चूँकि थ नहीं थ, त का क्या टी, थ का टी एच, ठीक है। अब देखिए द का, द का द नहीं है, ये क्या है द, क्या है द, तो इसका क्या हो जाएगा डी, और द ध का क्या हो जाएगा डी एच, न का क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, हमें ऐसे ही पढ़ना है, और ये प नहीं, पूरा प नहीं, प ओनली प, प तो प का क्या हो जाएगा पी, फ तो चूंकि ये फ नहीं है, क्या है वो है फ, क्या है फ, ऐसे पढ़ने हमको, ब ब म य र ल ऐसे पढ़ना है, व स फिर स, ये बड़ा सा फिर षटकोण वाला सा फिर छोटा सा, ठीक है, जिसको शरीफा वाला कहते हैं, तो हमको ऐसे पढ़ना स स स, जिसको तालो सा मूर्धन्त सा कहा जाता है, ठीक है, देखिए ठीक है ना। अब इसको ह, तो ह को ह नहीं पढ़ना, हमको क्या पढ़ना है ह, क्या पढ़ना है ह पढ़ना है, और ये छत्री लिखा है तो क्या पढ़ेंगे इसको कैसे अच, तो छत्री ने च, क्या पढ़ेंगे च, वैसे ही यहाँ पर ग लिखा है तो उसको ग नहीं पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे उसको ग, क्या पढ़ेंगे ग। तो ऐसे हर एक लेटर्स को हमें झटके के साथ पढ़ना है, न कि उसको खींच करके, जैसे क ऐसे नहीं, ख ऐसे नहीं, ग ऐसे नहीं, घ ऐसे आपको नहीं पढ़ने, और ऐसे आप पढ़ते हैं तो सारे के सारे आप गलत पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे गलत पढ़ेंगे, रॉन्ग हो जाएंगे सारे, सारे के सारे लेटर्स हम गलत पढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए अगर हमको कंप्लीट वो लिखना है तो कैसे लिखाएगा, आइए थोड़ा उस पर भी नज़र डालते हैं एक जगह कि आखिर ये पूरा कैसे होगा। देखिए अब किसी एक कॉन्सोनेंट को, इस क को पूरा करने के लिए हमें वॉवल्स की आवश्यकता पड़ेगी, किसकी, यहाँ पर लिखा है स्वर की आवश्यकता पड़ेगी इस क को पूरा कर, अगर ये हलंत लगा के यहाँ पर हलंत लगा क लिखा है तो इसका स्पेलिंग केवल क्या होगा क, अगर लिखा है तो इसका स्पेलिंग केवल के होगा, ठीक है। अब प्लस, अब अगर क पढ़ेंगे ना क, तो लास्ट में देखिए आ रहा है अ, क्या आ रहा है अ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ अ प्लस ए, ठीक है, क प्लस ए, तो क्या हो जाएगा ये बनेगा क, अब ये बन गया क, अब आप खींचिए ना इसको पूरा क, ऐसे खींचेंगे तो क, रबड़ की तरह खींचिए, रबड़ की तरह पढ़िए, पढ़िए क, पढ़िए क, कॉपी पेन कलम पेन जो भी है लिख लीजिएगा इसको, कैसे हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, आप लिखते रहिए, तो क इसका क्या हो जाएगा, अब इसका हो गया के ए, क्या हो गया अब के ए, अब हम क का पढ़ेंगे के ए, ठीक है। वैसे ही ठीक वैसे ही ख का भी होता है, ख का क्या होगा, तो ख यहाँ पर लिखा है, ख नहीं लिखा, ये पूरा ख लिखा है, लेकिन अगर इसमें हमने हलंत लगा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर हलंत लगा दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, ख पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ख। अब इसको पूरा करने के लिए हमको चाहिए अ, तो अब ये पूरा होगा मिल के ख प्लस अ मिल करके बनेगा ख, अब ये हो गया यहाँ से के एच प्लस ए इक्वल टू के एच ए, ये हो गया ख, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, इतनी बातें आपको, अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर देखिए ग अगर लिखा है पूरा, अगर ग लिखा है यहाँ पर ग पूरा, अगर इसको आधा बनाया जाए तो ये हो जाएगा ग, क्या पढ़ेंगे इसको ग। अब उसमें अगर हम ए जोड़ दें ग, इसमें क्या जोड़ेंगे अ, तो क्या बनेगा वो, क्या बनेगा वो ग बनेगा, पूरा कंप्लीट यहाँ पर आपका ग बनेगा, ठीक है, ग बन जाएगा। अब उसकी स्पेलिंग्स क्या होगी, यहाँ पर उसकी स्पेलिंग्स हो जाएगी जी प्लस ए इक्वल टू ग, ठीक है, ऐसे इसकी स्पेलिंग हम लिखेंगे, ग की स्पेलिंग क्या होगी जी ए, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे हम इसका उच्चारण करेंगे, इसका अब हम पढ़ उच्चारण करेंगे तो पढ़ेंगे ग, खींच करके पूरा पढ़ेंगे, लेकिन वही अगर इसको पढ़ेंगे तो ग, क्या पढ़ेंगे ग, क्या पढ़ेंगे ग, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे ग, क्या पढ़ेंगे ग, इस तरीके से हम इसका उच्चारण करेंगे, ठीक है, दोनों का। इसमें वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट है, इसमें ओनली कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पर आपको वॉवेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो
इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए दो चार और इसमें समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां अगर लिखा है च, अगर पूरा लिखा है तो च को अगर आधा लिखे तो क्या होगा, ऐसे हलंत लगा देंगे, फिर ये आधा हो लिखा गया। अब इसको च को लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, पूरा अ चाहिए, तो ये हो गया आपका च बनेगा, च प्लस अ इक्वल टू च। तो ये च का क्या होगा, सी एच होगा प्लस ए, ये क्या हो गया सी एच ए, ये बन गया च। अब इसको हम खींच करके पढ़ेंगे च, और इसको क्या पढ़ेंगे च, क्या पढ़ेंगे च। तो आप इसको इस तरीके से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है, एकदम आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए च अगर छ लिखा है यहाँ पर, छ ऐसे छ पूरा लिखा है, अगर इसको हम छोटा सा आधा लिखे हाफ पार्ट में लिखे तो ये छ हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम लिख दें अ, अब इसको पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए खींचिए तो हमको क्या पढ़ेंगे छ, तो ये हो जाएगा छ, क्या हो जाएगा अब ये छ हो जाएगा। अब यहाँ पर यानी सी एच हो गया और ये ए हो गया, ये हो गया सी एच ए, ये हो गया छ, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे छ, जब भी पढ़ेंगे इस इन वर्डों को तो आप में लास्ट में क्या आएगा अ, क्या आएगा अ, क ख ग घ च छ, देखिए सब में अ आ रहा है, खींच रहे हैं हम उस वर्ड को, क्या कर रहे हैं पकड़ के खींच रहे हैं, ठीक है, थोड़ी लंबी लेके जा रहे हैं उसको, थोड़ी लंबी लेके जा रहे हैं, लेकिन इनको हम झटके से तुरंत समाप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। इन जो ये जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स को पढ़ते वक्त हम थोड़ा झटके से समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इन लेटर्स को पढ़ते वक्त हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा खींच रहे हैं, रबड़ जैसे तानते हैं ना, पढ़ के खींचते हैं रबड़, वैसे हम इसको खींच रहे हैं, ठीक है। अगर ज यहाँ पर लिखना हो, ज पूरा ज, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए ज पूरा जो लिखा है इसको हलंत लगाया, हाफ पर ना पूरा करने के लिए क्या चाहिए अ लगाएंगे, तो क्या बनेगा ये ज, ज बनेगा, तो ज बनेगा, तो इसका आप स्पेलिंग्स लिखेंगे तो क्या होगा ये जे प्लस अ इक्वल टू ज, सॉरी जे ए, अब हम इसको पढ़ेंगे ज, इसको क्या पढ़ेंगे ज, अब इसको ज नहीं पढ़ेंगे, अब इसको क्या पढ़ेंगे हम ज, अब खींच करके पढ़िए जे में ए लगा दिया तो गया ज, ठीक है। वैसे ही अगर इसको पढ़ेंगे तो ज, क्या पढ़ेंगे झटके से हम पढ़ेंगे ज। तो इतनी आपको समझ में आ रही होगी कि हम इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो अगर प्रोनाउंसिएशन करने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करें, हम आपको तुरंत उसका सलूशन देंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपको बहुत ईजी तरीके से आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें अगर मान लीजिए म पढ़ना है आपको, पूरा म, तो क्या पढ़ेंगे हम, अगर हलंत लगाएंगे तो क्या होगा ये म, क्या होगा म, अगर वहीं को म पढ़ना है तो इसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा अ, तब क्या हो जाएगा ये म। अब हमको यहाँ पर लिखने के लिए m प्लस a इक्वल टू म, अब ये पढ़ेंगे म, अब माँ नहीं पढ़ेंगे इसको, माँ जब भी पढ़ेंगे, जैसे ही माँ पढ़ेंगे एक और a आ जाएगा उसमें, क्लियर। ये हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे म, यह हटाते हैं हम इसको, ठीक है। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे म, वैसे ही अगर यहाँ पर ल लिखा है, ल लिखा है ल, और उसमें अ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा ये ल बनेगा, और उसको खींचेंगे ल, क्या ल, कुछ लेने की बात कर रहा था, ल नहीं लेना नहीं है, अब यहाँ पर हमको देखना है, ठीक है। तो देखिए ल, ल का क्या हो जाएगा यहाँ पर एल प्लस ए इक्वल टू ल, यानी ये हो जाएगा एल ए, ये हो गया ल। अब खींचिए पकड़ के ल, रबड़ की तरह एकदम खींच दीजिए उसको, ये वाले को, लेकिन इसको आप नहीं खींचेंगे, इसको क्या करना है आपको झटके से बोलना है ल, क, ख, ग, ऐसे बोलना है, ठीक है, च, छ, ज, ट, म, ठीक है, ऐसे बोलना है हमको, ठीक है। खींचना नहीं है इसको, लेकिन इसको हमको खींचना है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, अगर किसी भी प्रकार की डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ठीक है। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से है, जीरो से है, इसका पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, कई सारे पार्ट्स में मैं लेके आऊँगा, आपको एक एक उच्चारण करना एकदम सिखा दूंगा। लेसन वन अभी ये चल रहा है, पार्ट वन है, ठीक है। आप जुड़ जाइए हमारे साथ और सीखने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, हम यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना ही सीखेंगे एकदम जीरो से, और एकदम आपको आ ही जाएगी, गारंटी है मेरी, ठीक है। अगर
इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो। हाँ, जब तक आपको उच्चारण नहीं आएगा, उसको पढ़ने नहीं आएगा, तब तक आपको बोलने भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको जब तक बोलेंगे नहीं तब तक पढ़ेंगे नहीं। तो बोलिए, समझिए, पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हम कैसे इस तरीके से हम किसी लेटर्स को पढ़ेंगे, अगर आधे भाग में है तो कैसे पढ़ेंगे और पूरे भाग में है तो कैसे पढ़ेंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।